नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर ट्यूबर और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमसीयू की लेटेस्ट एक्समैन मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेडपूल लोगन मूवी में वुल्वरीन की डेड बॉडी वाले स्केल्टन को निकाल करके बैठ जाता है। फिर वहां पर टीवीए वाले एजेंट्स आ जाते हैं जिनसे कि डेडपूल बहुत अच्छी फाइट करता है और वो उन सभी को मार देता है। फिर दिखाया जाता है कि डेडपूल सेक्रेट टाइमलाइन में हैप्पी होगन के पास अवेंजर्स की जॉब मांगने जाता है, लेकिन हैप्पी उसे किसी तरह वहां से भगा देता है। फिर अर्थ 1005 में दिखाया जाता है कि डेडपूल अपने फ्रेंड्स के साथ खुश था, पर टीवीए वाले उसे टाइम में चेंजेस करने के लिए वहां पर आकर पकड़ लेते हैं। वो टीवीए में मिस्टर पैराडॉक्स से मिलता है जो उसे सेक्रेट टाइमलाइन को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। वहां उसे एडमेंटियम कैटाना और एक नया सूट भी मिलता है। फिर वो अगले वुल्वरीन को खोजने निकलता है। वो एक छोटी हाइट वाले कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन से भी मिलता है और उसे रिजेक्ट करके चला जाता है। फिर वो अलग अलग टाइमलाइन के वुल्वरीन से मिलता है और एक टाइमलाइन में तो वो हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट के बीच में आ जाता है, जहां हल्क उसे एक पंच करके मार देता है। फिर वो अगली टाइमलाइन में हेनरी कैवल के वुल्वरीन के पास जाता है, वो भी उसे मार के वहां से भगा देता है। फिर वो एक वुल्वरीन को लेकर के मिस्टर पैराडॉक्स के पास आता है और उसे रिप्लेस करने के लिए कहता है, लेकिन पैराडॉक्स जो होता है वो डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को ही प्रून कर देता है। जब वो उठते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो वॉइड में है। फिर वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, बट एंड में डेडपूल वुल्वरीन के यूनिवर्स में जो बुरा हुआ था उसे ठीक करने की बात करके उसे मना लेता है। वही हमें यहाँ पर क्रिस इवांस एज ह्यूमन टॉर्च देखने को मिलता है। फिर वहाँ पे कुछ म्यूटेंट्स आ जाते हैं जैसे कि पायरो, सेबरटूथ, टोड वगैरह, जिनसे ये तीनों फाइट करते हैं। वुल्वरीन सेबरटूथ को एक शॉट में ही मार देता है, वहीं पायरो ह्यूमन टॉर्च को हरा देता है। फिर सारे एक्समैन उन तीनों को पकड़ करके कैसेंड्रा नोवा यानी चार्ल्स एक्सेवियर के ट्विन के पास ले जाते हैं। रास्ते में क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च वाला कैरेक्टर उन्हें बताता है कि या तो तुम वॉइड में एलायत के फूड बनोगे या तुम कैसेंड्रा नोवा के लिए काम करोगे। वो एक जायंट मैन की डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, फिर उसमें से कैसेंड्रा नोवा बाहर आती है। फिर वहां पर डेडपूल कैसेंड्रा नोवा से ह्यूमन टॉर्च की चुगली कर देता है और बताता है कि इसने आपको बहुत सारी गालियां दी है। तो कैसेंड्रा नोवा गुस्सा होकर के ह्यूमन टॉर्च को एक सेकंड में ही मार देती है। वहीं वुल्वरीन उससे लड़ने जाता है, लेकिन वो अपनी टेलीकाइनेटिक्स पावर से वुल्वरीन को हरा देती है। वो डेडपूल का दिमाग पढ़ लेती है और उसे पता लग जाता है कि ये डेडपूल अपनी टाइमलाइन में किसी काम का नहीं था। तभी एलायत वहां पर आ जाता है और कैसेंड्रा नोवा और बाकी सब जायंट मैन की बॉडी में चले जाते हैं। वहीं वुल्वरीन और डेडपूल एक रिपल्सर फुट पे बैठ करके वहां से एस्केप कर जाते हैं। फिर वो एक नई जगह पहुंचते हैं जहां पर उन्हें डॉगपूल मिलता है और एक लंबे बालों वाला डेडपूल का वेरिएंट भी देखने को मिलता है, जो कि उन्हें कार तक पहुंचाता है और उस कार को चला करके वो वॉइड के रस्तों पे जाते हैं। बीच रस्ते में दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और वो जब तक बेहोश नहीं हो जाते तब तक लड़ते हैं। जब वो गाड़ी में बेहोश पड़े थे तो एक म्यूटेंट X-23 आकर के उन्हें बाकी बचे सर्वाइवर्स के पास लेके चली जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रा, ब्लेड और गैम। तो डेडपूल उन्हें बताता है कि वो कैसे कैसेंड्रा नोवा से बच के निकल आए। डेडपूल उन्हें एक टीम बना करके एक साथ लड़ने के लिए मनाता है। वो लोग मान जाते हैं क्योंकि वो भी कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ थे और उसकी वजह से डेयर डेविल जैसे बहुत से सुपर हीरो वहां पर मारे गए थे। वहीं X-23 वुल्वरीन से बात करती है और उसको अच्छा फील करवाती है और उसे बताती है कि वो एक फेलियर नहीं है। आगे में पता चलता है कि कैसेंड्रा नोवा के लिए काम करने वाला पायरो दरअसल मिस्टर पैराडॉक्स के साथ मिला हुआ है और वो दोनों मिलकर के कैसेंड्रा नोवा को मारना चाहते हैं। वहीं सारे सर्वाइवर डेडपूल और वुल्वरीन के साथ मिल जाते हैं और वो कैसेंड्रा नोवा के प्लेस पर पहुंच जाते हैं। सभी में फाइट होती है और कैसेंड्रा नोवा अंदर जाके बैठ जाती है। वहीं म्यूटेंट X-23 जगरनॉट को मार करके उसका हेलमेट उतार करके डेडपूल को दे देती है, जिससे कि वो कैसेंड्रा नोवा की टेलीकाइनेटिक पावर को ब्लॉक कर सके। वहीं कैसेंड्रा नोवा डेडपूल को हरा देती है और कैसेंड्रा नोवा वुल्वरीन के दिमाग में चली जाती है। तभी डेडपूल जगरनॉट का हेलमेट उसके सर पे रख देता है और वहीं पायरो आकर के कैसेंड्रा नोवा पर गोलियां चला देता है और वो मरने ही वाली होती है। तभी वुल्वरीन पायरो को नॉकआउट कर देता है और कैसेंड्रा नोवा का हेलमेट उतार देता है ताकि वो बच जाए। इसे देख करके कैसेंड्रा नोवा भी उनकी मदद करती है। उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग थी, इससे वो एक पोर्टल ओपन करती है। दोनों उस पोर्टल में कूद जाते हैं और तभी एलायत आकर के उन सबको निगल जाता है। वहीं कैसेंड्रा नोवा को पता चलता है कि पायरो टीवीए के साथ मिला हुआ था और उन्होंने कुछ डील कर रखी थी। वहीं मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन को फॉलो करता है क्योंकि वो डेडपूल की ओरिजिनल टाइमलाइन में बच गए थे। वहीं पैराडॉक्स जाकर के उनसे मिलता है, लेकिन कैसेंड्रा नोवा वहां पर एक पोर्टल को ओपन करके आ जाती है। वो पैराडॉक्स को कंट्रोल कर लेती है और वो सभी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तभी टीवीए में काम करने वाली हंटर B-15 को इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसी पोर्टल से डॉगपूल बाहर आता है, जिसे देखकर डेडपूल बहुत खुश होता है और उसके पीछे पीछे डेडपूल की पूरी आर्मी ही आ जाती है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही एपिक बैटल सीन है जिसमें आपको पहली बार वुल्वरीन अपने मास्क में देखने को मिलता है और वो बहुत ही अच्छी फाइट करता है और सारे डेडपूल के वेरियंट्स को डेडपूल के साथ मिलकर के मार देता है। लेकिन इससे पहले वो खुशी मनाते सारे डेडपूल के वेरियंट रीजनरेट होकर के वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी डेडपूल का फ्रेंड पीटर आ जाता है और सभी डेडपूल उसे पहचान लेते हैं और उसके कहने पर वो वुल्वरीन और डेडपूल को वहां से जाने देते। वहीं कैसेंड्रा नोवा को टीवीए में एक मशीन मिल जाती है
जो कि मैटर और एंटी मैटर को मिला के बनी थी, जिससे वो सारी टाइमलाइन को रिमूव कर सकती थी। पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन को उसके बारे में बताता है और उसको रोकने का एक तरीका बताता है, लेकिन उन्हें बताता है कि इसको करने से वो असली में मर सकते हैं। वो दोनों किसी तरह उस मशीन तक पहुंचते हैं और दोनों साथ में ही मिल करके मशीन को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। उस पूरी मशीन में धमाका होता है जिससे कैसेंड्रा नोवा उस मशीन के साथ ही मर जाती है। वहीं मिस्टर पैराडॉक्स को लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन भी मर चुके हैं, लेकिन तभी हंटर B-15 पैराडॉक्स को अरेस्ट करने आ जाती है। वहीं पैराडॉक्स हंटर B-15 को बताता है कि उसकी टीम में डेडपूल और वुल्वरीन थे जिन्होंने उसके साथ मिलकर के सभी टाइमलाइन को बचा लिया था, लेकिन तभी डेडपूल और वुल्वरीन वहां पर आ जाते हैं क्योंकि दोनों ही बच गए थे, और पैराडॉक्स का झूठ पकड़ा जाता है और उसे हंटर B-15 पकड़वा दे। वो डेडपूल को भी प्रून करने वाली थी, लेकिन इससे पहले डेडपूल का फ्रेंड पीटर दोबारा आता है और वो डेडपूल और वुल्वरीन की जान फिर से बचा लेता है। तो हंटर B-15 उनका थैंक यू करती है और डेडपूल को अपनी टाइमलाइन में रुकने के लिए कह देती है। वहीं डेडपूल उससे वॉइड में उसके फंसे हुए सर्वाइवर फ्रेंड्स को बचाने के लिए भी कहता है, जिसको वो मान जाता है। वहीं डेडपूल और लोगन डेडपूल के दोस्तों के साथ बैठ करके एंजॉय करते हैं और साथ में X-23 भी उनको ज्वाइन कर लेती है। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल कहता है कि मैं ह्यूमन टॉर्च की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर वो टीवी में जाकर के एक टेप चलाता है जिसमें क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च कैसेंड्रा नोवा को वही सब गाली देता है जो कि डेडपूल ने कैसेंड्रा नोवा को सुनाई थी और जिससे ह्यूमन टॉर्च मारा गया था। तो इसी फनी पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। भाई ये मूवी बहुत ही अच्छी थी, इसमें बहुत सारे कैमियो थे, आपको पुरानी मूवीज के कैमियोस में देखने को मिलेंगे, जैसे हल, ब्लेड, हेनरी कैविल का वुल्वरीन, इलेक्ट्रा और कुछ नए कैरेक्टर्स भी, जैसे कि गैम्बिट। अगर आप एमसीयू के फैंस हैं और आपने पुरानी सभी एमसीयू की फिल्म्स देख रखी हैं, तो आपको इन कैरेक्टर्स को देख करके एक नॉस्टैल्जिया फील होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टोरी वाइज फिल्म काफी फनी है और सभी ने एक्टिंग बहुत ही अच्छी करी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है और VFX भी बिल्कुल कमाल के हैं। वहीं बैकग्राउंड स्कोर इसको एक लेवल अप ही करता है। तो ओवरऑल आपको ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है, तो आपको इसे जाकर जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रणवीर ट्यूबर से।